हैं एंड यहाँ आज टेक्निकल प्रीव्यू चल रहा है आपकी फिल्म जिंदगी शतरंज का, तो क्या कहना चाहेंगे बतौर निर्माता, आप कितने संतुष्ट हैं इस फिल्म से, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके के सस्पेंस की फिल्म आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको बड़े ही उत्साह से देखेंगे और इसमें दलेर मेहंदी, हितेन तेजस्वानी ने जो रोल किया है वास्तव में देखने लायक है, और जो सस्पेंस है वो आखिर तक बना रहता है, आदमी की ये चाह रहती है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो जब लास्ट अंतिम इसका आता है तो जब पोल खुलती है तो जब बहुत खुश होता है आदमी, क्योंकि सस्पेंस चल रहा है। सर, इसमें ब्रूना अब्दुल्ला ने भी एक बहुत एक स्पेशल रोल प्ले किया है और बहुत बड़ी स्टार है वो, लेकिन बहुत टाइम के बाद उनकी बड़ी फिल्म आ रही है, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि फॉरेनर हैं, बाहर से दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ब्रूना अब्दुल्ला का जो गाना है वास्तव में फिल्म को ऊपर उठाने के लिए दलेर मेहंदी और ये अब्दुल्ला का जो डांस है ये अहम रोल अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वार ग्रुप के चेयरपर्सन और मुंबई के सोशलाइट और बहुत ही बड़े समाज सेवी श्री राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है सर। सर, आप तो बहुत सितारों के साथ डे नाइट हम आपको बहुत सारी पार्टीज में देखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शंस में देखते हैं, बहुत सारे आप लोग उनके साथ कॉमर्शियल शूट्स करते हैं, शोज करते हैं, इस फिल्म में जो आपने आप कुछ अपने दोस्तों को देख रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी फीलिंग्स क्या हैं सर इस फिल्म के लिए? पहली चीज़ ये, जब मैं मूवी थोड़ी बहुत जब मैंने इसका प्रीव्यू देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम डिफरेंट लग रहा था, और शुरुआत से ही मैंने, मतलब बहुत सी मूवी देखी है मैंने, शुरुआत से सस्पेंस नहीं होता, ये एक ऐसी मूवी दिख रही है जो शुरुआत से ही सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, दलेर मेहंदी, ब्रूना अब्दुल्ला, हितेन तेजवानी, बहुत ही माहिर एक्टर्स हैं, तो वाकई में ये पिक्चर, और जिस ढंग से ये पिक्चर सस्पेंस की तरफ जा रही है, और वाकई में ये बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी दर्शकों के लिए बीच में, और इतने अच्छे कलाकार लोग हैं, तो मुझे ये मूवी बहुत, मुझे खुद को बहुत पसंद आ रही है, और ये डेफिनेटली ये दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, और 100% ये मूवी एक सस्पेंस के अंदर एक अलग रिवोल्यूशन क्रिएट करेगी। सस्पेंस मूवीज़ मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये सस्पेंस मूवीज़ में एक बहुत ही अलग रूप से इसको एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और ये आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और दुष्यंत जी जो आप डिफरेंट डिफरेंट मूवीज बना रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस बना रहे हैं, मैंने पहले भी आपको देखी, ये भी, तो एक वाकई में आपके अंदर भी बहुत सही वर्सैलिटी है जो आप अलग अलग मूवीज बना रहे हैं, तो बहुत शानदार मूवी है, और ये मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मूवी बहुत जैसे ही रिलीज होगी ये बहुत शानदार चलेगी। धन्यवाद जैन सर। हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बहुत ही सोशल तौर पे बहुत सक्रिय पूरे देश और विदेशों में, आपकी लिखी हुई किताबों ने एक नया कीर्तिमान रचा है, आदरणीय श्री वाई पी सिंह साहब। सर, आप तो इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर, ये सब आपके लिए आपकी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, और आज भी आप जब ड्रीम देखते होंगे तो वो आपके कंटिन्यू ड्रीम जब रिपीट्स होते होंगे तो इट्स ऑलरेडी आपके एक तरह से आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आज आप ये फिल्म देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि ये फिल्म बनी है जिस फ्रेम में, क्या इन लोगों ने, जो मेकर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जस्टिस करने के कितना करीब तक पहुंचे हैं? अब तक आपने जितनी फिल्म देखी है तब तक, इस फिल्म की कहानी का मिलन जो एक सस्पेंस से रिलेटेड है और उसको पुलिस महकमे में किस तरह से उसको डील किया जाता है, बड़े ही नेचुरल ढंग से इसको पोर्ट्रे किया है, और अंततः इसका नतीजा ये होता है कि पिक्चर कितनी तेजी से खत्म हो गई पता ही नहीं चला, इतना ज्यादा आपको ग्रिप करके रखती है, और ये इसलिए है कि कहानी के साथ साथ इसकी जो फिल्मिंग की गई है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इतनी असलियत से जुड़ी हुई है कि आदमी को कुछ लगता ही नहीं, पर्दे के अलावा देखने के पर्दे में देखता है और अपनी सोच में डूब जाता है कि ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरह से कहानी, इसकी फिल्मिंग और इसका डायरेक्शन, तीनों एक इतनी अच्छी तरह से इसको जोड़ा गया है, और इस तरह की फिल्म कभी ही देखने को मिलती है, एकदम नई चीज है, बाकी फॉर्मूला पिक्चरें देख देख के आदमी जो है काफी ऊब चुका है, एक नयापन है इस पिक्चर में,
और उसका हम आनंद लिए हैं। आज इस टेक्निकल प्रीव्यू में तीनों शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र के माहिर, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी शख्सियत है। तो हम सर आप तीनों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 2 3 4 पे आप सिर्फ दो फिंगर ऑन करके विक्ट्री साइन एंड बोल दें जिंदगी शुक्रिया। एक्चुअली जिंदगी और शतरंज यही हम सब लोग अपनी भी चाल चल रहा है, कोई अच्छी चाल चल रहा है, कोई बुरी चाल चल रहा है, ऐसे कुछ ताने बाने बनके ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हम लोगों ने। इस फिल्म का नाम है जिंदगी शतरंज है और आज इसका एक टेक्निकल प्रिव्यू था जिसमें मेरे प्रोड्यूसर श्री आनंद प्रकाश जी और हमारे मित्र आदरणीय श्री राजेंद्र जैन जी और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री वाई पी सिंह साहब, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ जर्नलिस्ट मित्रों को भी हम लोगों ने बुलाया था। तो हमने कहा एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कोई कहीं पे कोई डिस्टर्ब ना हो, तो ऑल इज़ वेल। और सबको बहुत फिल्म अच्छी लगी। जब एक डायरेक्टर की फिल्म को प्रोड्यूसर देखते हैं और खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, तो लगता है कि आपकी सारी जो मेहनत है वो साकार हो गई। पब्लिक से पहले जो रिस्पांस होता है वो इमीडिएट, जो आपके साथ जो लोग रहते हैं जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया है, आपके ऊपर भरोसा किया, जब खुश होते हैं आपके काम से तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का जो कलाकार है या आपके अंदर का जो टेक्नीशियन है उसे ये चीज़ें बहुत प्रोत्साहित करती हैं। तो उससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है तो और उससे हमें ताकत मिलती है कि हम जब अगला प्रोजेक्ट करें तो हम इससे भी खूबसूरत करें। तो क्या प्लान है, कब तक लोग देख पाएंगे? 20 जनवरी को ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है और जी म्यूज़िक से इसका म्यूज़िक आ रहा है। बहुत अच्छे गाने हैं, अंजन भट्टाचार्य, इंद्रानी भट्टाचार्य जी, उन लोगों ने म्यूज़िक किया है इस फिल्म का और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। सुहास राव ने अपना सब कुछ झोंक दिया इसमें और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। 2 साल कोविड की वजह से हम लोग इतना थोड़ा लेट भी हो गए, लेकिन बहुत मेहनत की हम लोगों ने इसके पोस्ट में, बहुत मेहनत की। स्टूडियो खुल रहा है, बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, सबकी टाइमिंग, कभी इसकी टाइमिंग, डबिंग, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैसल्स बट इट्स ओवर नाउ। अभी मेरी जी सर, आप हमने फिल्म अभी देखी तो आपने खुद भी गाना गाया है इसमें? नहीं, मैंने गाना एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं छोटा सा संगीतकार मौजूद है मेरे अंदर, तो कहीं बैकग्राउंड्स में जब ऐसी लगा कि कुछ कर सकते हो थोड़ा बहुत अपना मैंने गुनगुनाया, बट मैं कोई ऐसा सिंगर नहीं हूँ कि मैं एकदम मतलब कॉमर्शियली गा रहा हूँ, तो वो उतना एग्जिस्ट नहीं करता। आई एम हैप्पी विद द डायरेक्शन और मैं ईश्वर का बहुत आभार अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे प्रोड्यूसर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर उनका फेथ बहुत है और मैं कंटिन्यू मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मेरे जो बन के तैयार हैं 9 प्रोजेक्ट वो वन बाई रिलीज, वन बाई वन रिलीज़ हों। तो 2 फिल्म हम लोग की अभी 16 को रिलीज़ हुई हैं, पहली थी त्राहीमाम, दूसरी अजयवर्धन। अजयवर्धन बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, सुपरविज़न किया मैंने, एक नई पोस्ट क्रिएट हुई इंडस्ट्री में सुपरविज़न डायरेक्टर। तो अब ये शतरंज है, इन बिटवीन हम लोग की और भी वेब सीरीज़ भी आ रही हैं। जनवरी एंड तक मैं समझता हूँ कि पिछला जो जितना किया गया काम है वो सब हम लोग प्रकाश में आ जाएगा, ऑडियंस के सामने होगा और उसके बाद मैं कुछ और खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करूँगा। शतरंज बेसिकली देखिए, इसका टाइटल जिंदगी शतरंज का टाइटल ही अपने आप में कहानी है कि हर आदमी का जीवन है वो शतरंज के प्यादों की तरह से है। कोई सिपाही है, कोई राजा है, कोई सेनापति है, कोई ऊँट है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, तो और कोई वजीर है, तो सब अपनी अपनी चालें चलते हैं। उस चाल के बीच में से कैसे ज़िंदगी सर्वाइव लेती है, कैसे ये दुनिया चल रही है, कैसे जगह जगह पे घटनाएं हो रही हैं और कैसे हम उनको एक सूत्र में पिरोकर सिनेमा बना के दर्शकों को दिखाते हैं, तो यही कुछ जिंदगी शतरंज का ताना बाना। आर्टिस्ट इसमें बहुत शानदार आर्टिस्टों ने काम किया, हितेन तेजवानी, दिलेर मेहंदी, ब्रुना अब्दुल्ला, अर्जुमन मुगल, हेमंत पांडे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, राजकुमार लालवानी और एकता जैन और मैं मतलब कहीं का तो मैं नाम ही भूल जाता हूँ। देर इज़ अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। सो त्राहीमाम गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, जैसी हमें उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला त्राहीमाम को, क्योंकि उतने फंड्स भी नहीं थे और अवतार बहुत बड़ी फिल्म थी। तो लेकिन एक रिकॉर्ड और मेरे इस सिनेमा के दौर पर 2-3 रिकॉर्ड मेरे नाम से आप बोल सकते हैं। जैसे जब कोविड लगा तो लास्ट फिल्म मेरी थी, जब कोविड खोला तो पहली बार शूटिंग हम लोगों ने शुरू की, इसी तरह से जब मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई तो कोई भी हिंदी फिल्म नहीं थी। तो देर इज़ ओनली 3 फिल्म, अवतार, त्राहीमाम और अजयवर्धन, तो 2 फिल्में मेरी थी, बाकी रेस्ट ऑफ अवतार थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा याद रह जाती हैं आपको, तो लकीली आने अवतार जैसे फिल्म फिल्म आई पता लगा उन्होंने अपनी आगे के लिए पोस्टपोन कर दी, आपने कैसे साहस? आप देखिए, एक अब मैं उस पर क्या कहूँ, अतिशयोक्ति हो जाएगी, बट अवतार बहुत बड़े अवतार वैश्विक सिनेमा है तो उससे किसी का क्या कंपटीशन है।
अवतार की ऑडियंस अलग है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को अवतार देखनी देखनी है, वो इसलिए भी देखनी कि अच्छी फिल्म है, वो इसलिए भी देखनी कि अवतार एक सुविनियर है। वो चाहते हैं कि जब वो बड़े हों बुड्ढे हों तो अपने नाती पोतों से बोले कि हमने अवतार देखी थी, ऐसी फिल्म आई। तो उस फिल्म का एक अलग जोन है, अलग ऑडियंस है, उससे आपकी फिल्म का क्या लेना देना। और मैं तो कहता हूँ किसी फिल्म का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, पब्लिक को पसंद आएगी तो आपकी फिल्म देखेंगे वो। तो मैं तो हमेशा जो मेरे दोस्त हैं जो भारतीय सिनेमा के या जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, मैं बतौर छोटा मुंह बड़ी बात अगर ना हो तो मैं उनसे ही बोलूँगा ये सब चक्कर छोड़िए कि कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, आप अच्छा सिनेमा बनाइए, आप एक मंजिल पकड़ के चलते चलिए, अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी पूरी सारी। नहीं नहीं पठ शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और बॉस हैं भाई वो इंडस्ट्री के, उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा। हमारी खुश नसीबी है कि जिस सिनेमा में उनकी फिल्म होंगी उसी सिनेमा में हमारी फिल्म है, तो हमारे लिए वही एक तरह से सोविनियर है, वही अवार्ड है कि जहाँ बड़े बड़े सिनेमा में बड़े बड़े स्टार्स के पोस्टर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, वहीं एक होर्डिंग लगा रहता है कि डायरेक्टेड बाई दुष्यंत प्रताप सिंह। तो मैं इसे ईश्वर का बहुत रिवार्ड मानता हूँ। हम लोग जब स्ट्रगल करने आते हैं तो ये दिन आएगा वो कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने, उसके लिए सबका शुक्रिया। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सभी फिल्मकारों की, फिल्म बनाना कितना मुश्किल है वो हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं पूरी इंडस्ट्री को, मैं कहता हूँ सारी फिल्में बिजनेस करें, खूब चलें, लोग इन्जॉय करें, देश में एक माहौल हो, अलग हटके लोग उत्सव मनाएं, लोग उसका हिस्सा बने फेस्टिव का, तो सिनेमा अपने आप में एक ऐसा फेस्टिवल है जो शाश्वत है, जो चलता चला रहा है आला मारा के समय से। और विद द गॉड ऑफ ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मैं कहता हूँ सभी धर्मों के लोगों से, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नति दे भगवान, सभी के ब्लेसिंग से ये सिनेमा शाश्वत है, शाश्वत था और शाश्वत रहेगा। जिंदगी शतरंज है का प्रीव्यू आज किया गया और बहुत ही अच्छी फिल्म है। मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ लेकिन ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें पहले फ्रेम से ही सस्पेंस स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया गया है दुष्यंत जी के द्वारा और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दुष्यंत जी की एक और फिल्म त्राही माम अवतार के साथ रिलीज हुई, तो सर बिलीव करते हैं अपने कंटेंट पे। मेरी भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया मैं मेरे कंटेंट पे बिलीव करता हूँ, अगर आपके कंटेंट में दम है तो वो फिल्म किसी भी फिल्म के साथ रिलीज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्शक हमेशा अच्छा कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। स्टार अपनी जगह हैं, कॉन्टेंट अपनी जगह हैं और अभी लोग कॉन्टेंट देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यूथ बिल्कुल बिल्कुल यूथ ही पसंद करेंगे, खास करके वही लोग चाहते हैं कि कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हो, बड़े स्टार्स के साथ हो लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो कई बार हमने देखा है कि फिल्में पिट जाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।